13 अक्टूबर 2024 को एक इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के जरिए तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तक फैलती है कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के कैंपस नंबर 10 के अंदर, जो कि गुलबर्ग कैंपस कहलाता है, एक रेप हुआ है किसी बच्ची के साथ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक वकील और एक आम इंसान होने के नाते मैंने ये मुनासिब समझा, बाकी तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तरह, कि मैं उस बच्ची की आवाज बन सकूं। मैंने हुक्मराने वाला से गुजारिश की कि अगर ऐसा कोई भी रेप हुआ है तो आप मुजरमान को कैफरे किरदार करें, उनको सजा दें, उनके ऊपर पर्चे हों और विक्टिम के साथ पूरी रियासत खड़ी हो जाए। मेरी इस वीडियो के अलावा बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियोस बनाई, क्योंकि एक रेप विक्टिम थी, उसके बारे सब लोगों ने इजहार यकजहती करनी थी। 14 अक्टूबर 2024 को बतौर वकील मैंने एक हेबियस पटिशन फाइल कर दी कि लड़की जहां पर भी है उसको रिकवर करवाकर कोर्ट में पेश किया जाए। 14 अक्टूबर 2024 को ही मुतलका कॉलेज का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी जाती है। 14 अक्टूबर 2024 को वजीर तलीम का बयान आता है कि जी वाकई रेप हुआ है। 14 अक्टूबर 2024 को बड़े पैमाने पर एहतजाज होते हैं। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हेबियस पटिशन के अंदर हम कहते हैं कि जनाबे वाले, ये कहा जा रहा है कि एवर केयर हॉस्पिटल के अंदर कोई बच्ची है, तो हेबियस पटिशन के अंदर बेल ऑफ अपॉइंट करें, हम जाकर देख लेते हैं, लड़की की स्टेटमेंट ले लेते हैं, सारा मामला खुल के बाहर आ जाएगा। पुलिस ने कहा ऐसा कोई मामला नहीं है, एफआईए ने कहा ऐसा कोई मामला नहीं है। जब सारी चीजें कंट्राडिक्ट करना शुरू हुई तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी 14 अक्टूबर 2024 को, जिसने 48 घंटे में रिपोर्ट जमा करवानी। मेरी हेबियस पटिशन के अंदर 48 घंटों का टाइम दिया गया। 16 अक्टूबर 2024 को हेबियस पटिशन लगी। 16 अक्टूबर 2024 को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट नहीं करवाई, जिसका मतलब यह था कि एक तरफ पुलिस कह रही है कि लड़की की हमने स्टेटमेंट ली है, दूसरी तरफ एफआईए कहती है कि हमें लड़की मिल नहीं रही, तीसरी तरफ वजीर तलीम कुछ कह रहा है, चौथी तरफ कॉलेज का रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया गया, पांचवी तरफ बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और पंजाब असेंबली ने भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कहती है कि लड़की पलंग से गिरी, वालदेन कहते हैं सीढ़ियों से गिरी। ये इतने शकूक व शुभात थे कि मैंने बतौर वकील ये मुनासिब समझा कि एक स्टेटमेंट अगर लड़की की कोर्ट में आ जाएगी तो ये सारे मामला क्लियर हो जाएंगे। 16 अक्टूबर 2024 को जब स्टेटमेंट ना आई तो एसएचओ को सालतन तलब किया गया 18 अक्टूबर 2024 के लिए, और 18 अक्टूबर 2024 को जब हम कोर्ट में गए तो ना एसएचओ आया ना रिपोर्ट आई। मैं ये सारी अपडेट, लीगल अपडेट, थ्रू अपने सोशल मीडिया चैनल्स में देता रहा। मैंने स्टूडेंट्स को कहा कि किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट नहीं करना, लीगल कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन बतौर वकील मैं सिर्फ इतना कर सकता था। 18 अक्टूबर 2024 से 21 अक्टूबर 2024 की डेट पड़ी, मेन जज छुट्टी पे, ड्यूटी जज के पास मैं पेश हुआ। मैंने कहा जनाब अगर ये विक्टिम है और पुलिस कहती है हमने स्टेटमेंट लिया, तो उसकी कोर्ट में बुलाकर स्टेटमेंट ले लें या बेल ऑफ अपॉइंट करें, लड़की के घर जाकर लड़की की स्टेटमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द कौंसल स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाए। मेरे लोकस कैंडाई पर सवाल उठे, मेरी 491 की जो क्वालिफिकेशन ऑफ दी असेंशियल ऑफ दी सेक्शन है उस पर सवाल उठे, उन सब का सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया। 23 अक्टूबर यानी कल 2024 की डेट पड़ी इससे पहले कि लड़की को रिकवर करवाकर कोर्ट में बुलाया जाता। मुझे कल रात मेरे दफ्तर से अरेस्ट करने की अफवाह मेरे कानों तक पहुंच गई, बजाय कि मैं अपने दफ्तर से भागता, चूंकि मैं हक पर था। पुलिस मेरे दफ्तर में एंटर हुई उससे पहले ही मैं उनके साथ निकलकर बाहर आया, अपनी गिरफ्तारी दी कि अगर मेरी पूरी कार्रवाई के अंदर मैंने अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है तो मैं कसूरवार हूं, लेकिन अगर बतौर वकील मैंने अगर कोई लीगल एक्टिविटी की है उसके ऊपर अगर आपका कोई लीगल ऑब्जेक्शन नहीं है तो ये इलीगल अरेस्ट पर इंशाल्लाह हम करा जवाब देंगे। यही हुआ। आज जब मैं यहां पर कोर्ट में आया तो मियां फैज साहब मेरे साथ मौजूद थे, मलक फहीम खोकर साहब मेरे साथ मौजूद थे, फैसल जट साहब मेरे साथ मौजूद थे, मियां बलाल साहब, अवैस अब्बासी साहब, मेरे भाई मियां अब्दुल अजीम साहब, मियां अब्दुल हलीम साहब, शुजात भाई और बेशुमार हमारे दोस्त मौके पर मौजूद थे। ये तमाम वकला जो आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, इनके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद में वकला ने आकर मेरे रिमांड को कंटेस्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दर्द से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मियां फैज साहब के जानदार आर्ग्यूमेंट्स और मेरी सच्चाई आज कोर्ट में साबित हो गई, और उस पर्टिकुलर एफआईआर से जिसमें मुझे गिरफ्तार किया गया मैं डिस्चार्ज हो गया। ना सिर्फ मैं डिस्चार्ज हुआ, मेरे साथ एक को एक्यूज को पकड़ा गया जो मेरी पोस्ट
शेयर करता था वो भी डिस्चार्ज हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये उन तमाम दोस्तों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि हक और सच का साथ आपने कभी नहीं छोड़ा।